हाय गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A72 फ़ोन के बारे में। भाई ये बहुत ही जल्दी आने वाला है एंड इसका प्राइस निकल के आ चुका है एंड इसका ऑफिशियली पिक्चर्स निकल के आ चुका है। जो भाई winfuture.de करके एक जर्मन का वेबसाइट है, उसने इसको लीक किया गया है उसके तरफ से। तो भाई इसका फुल स्पेक्स बताएंगे आपको एंड इसका प्राइस भी बताएंगे लिटरली। तो भाई वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेंगे इस फ़ोन के रिगार्डिंग, सैमसंग गैलेक्सी A72 फ़ोन के रिगार्डिंग। तो भाई ज्यादा बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से एक लाइक कर देना। तो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस फोन की डिजाइन एंड इसका जो डिस्प्ले होने वाला है 6.7 इंच का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये फोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेंगे। पीछे जो कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जो स्टाइल आपको लुकिंग देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे लुक्स के साथ आते हैं। आपको कैसा लगता है ये जो कैमरा मॉड्यूल दिया गया है पीछे, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो। इस फोन में आपको टोटल 4 कैमरा देखने के लिए मिलेंगे, 62+12+8+2 टोटल 4 कैमरा रहेंगे। और इसका जो फ्रंट कैमरा होने वाला है वो भाई एक मिडिल पंचोल सेल्फी कैमरे के साथ आने वाला है। 32 मेगापिक्सल का मिडिल पंचोल सेल्फी कैमरा इधर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एंड इसमें जो प्रोसेसर लगाया जाएगा भाई वो स्नैपड्रैगन की तरफ से आते हैं, स्नैपड्रैगन 720G जो एक 4G चिपसेट है। आपको 5G देखने के लिए नहीं मिलेंगे। 8nm पे बेस करके इसको बनाया गया, 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है, 8 कोर का प्रोसेसर है। GPU जो आपको मिलेंगे एड्रीनो 618 का GPU मिलता है, तो बहुत ही कमाल का गेमिंग हो सकता है, ठीक है। एंड 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आता है, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट अलग से दे रखा है, तो आप इसको एक्सपेंड भी कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे इस फोन की बैटरी के बारे में तो इधर आपको 5000mAh की बैटरी मिल सकता है एंड कितने वाट का मतलब चार्जर मिलेंगे उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मुझे लगता है 20 वाट का शायद इधर आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकता है, ठीक है। बट 5000mAh इधर आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाएंगे। अदर कनेक्टिविटी भी बात करेंगे तो टाइप सी का पोर्ट रहेंगे, 3.5mm हेडफोन जैक आपको मिलेंगे, एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेंगे। इधर आपको UI 3.0 के सपोर्ट मिल जाते हैं जो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस आपको देने वाला है, ठीक है। ब्लूटूथ 5.1 के साथ आएंगे, वाईफाई रहेंगे एंड जितने भी सेंसर्स सारे के सारे सेंसर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड फाइनली बताएंगे इस फोन का प्राइसिंग। तो भाई प्राइसिंग के मामले में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इधर कुछ यूरोप का प्राइस निकल के आ रहा है जो है भाई 449 यूरो, जिसका मतलब इंडियन रुपी में होता है 39,500 अराउंड। एंड इंडियन रुपी में मतलब इंडियन रुपी में 39,500 होता है, बट मुझे लगता है ये फ़ोन का प्राइस इंडिया में बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि आपको जैसे पता है भाई आज ही लॉन्च किया गया है गैलेक्सी A62 को, जो एक 4G फ़ोन है, ठीक है। बट उसमें आपको बहुत ही अच्छे प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाते हैं, 9825 जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में यूज़ किया गया है उस प्रोसेसर को, जो बहुत ही अच्छे फ्लैगशिप प्रोसेसर है, बट उसका प्राइस 24,000 है, ओनली 24,000। तो इसका प्राइस क्या हो सकता है मुझे गेस करके ज़रूर बता सकते हो, बट मुझे लगता है 20-25,000 के बीच में इसका प्राइस हो सकता है। इससे कम होंगे तो बहुत ही बढ़िया सैमसंग के लिए एंड इससे ऊपर होंगे मतलब 25 से ऊपर होंगे तो भाई ये फ़ोन कोई नहीं लेने वाला है, क्योंकि इसका इस पोजिशन में बहुत ज़्यादा फ़ोन निकल गया जो बहुत ही कम प्राइस में आपको देखने के लिए मिल जाता है। लॉन्च तो ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, बट डेट निकल के नहीं आया, बट ये बहुत ही जल्दी आने वाला है, मतलब ठीक है ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। सैमसंग की तरफ से आगे कोई भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आएंगे आपको ज़रूर से बताएंगे। तो अभी वीडियो इतने था, अगर थोड़ा सा भी पसंद है तो एक लाइक ज़रूर से कर सकते हो एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो अभी चलते मिलते किसी दूसरे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो तब के लिए, बाय बाय।